तो आज की वीडियो में आपके साथ कवर करने वाली हूँ टीचिंग वैकेंसी लाइक पीजीटी, पीजीटी, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, कॉमर्स टीचर, साइंस टीचर, एडुकेशन टीचर, साइकोलॉजी में सब्जेक्ट, कॉमर्स, सारे टाइप के डिपार्टमेंट यहाँ पे कवर हो रहे हैं। बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की पोस्ट पे लेवल 10-2 लेकर आपका पे लेवल 3-4 तक जाएगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। पीजीटी में आपकी 8,000 वैकेंसी रिलीज करेगी है, सिमिलरली टीजीटी में भी 8,000 है, ऐसे सिमिलरली आर्ट टीचर में भी 740 वैकेंसी है। ऐसे आपको एक पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी देखने को मिल जाएगी, तो ये इस रिक्रूटमेंट की सबसे अच्छी बात थी। बाकी डिटेल मैंने वीडियो में कवर कर दिया है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपके रिक्रूटमेंट रिलीज करेगी। रिक्रूटमेंट आपके टीजीटी की, पीजीटी की रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। हर टाइप के पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, लाइक प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एडुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, केटरिंग असिस्टेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, गार्डनर, कुक, मेस हेल्पर, चौकीदार एंड स्वीपर। ठीक है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये आपकी 2 ईयर्स के प्रोबेशन पीरियड पर रहेगी, लेकिन बाद में परमानेंट कर दी जाएगी। तो वो आपका प्रोबेशन पीरियड से रिलेटेड डिटेल मेंशन कर रखी है, वो आप रीड आउट कर सकते हो। एंड कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर होंगे वो भी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपके प्रिंसिपल की पोस्ट लेवल 2 का आपका पे लेवल रहेगा। आपकी एज 50 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन रिलैक्सेशन मिल जाती है। अकेडमिक में आपके पास क्या होना चाहिए, मास्टर्स, बीएड, प्लस आपके पास 12 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, इनमें से किसी का भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको डिटेल दे रखी थी। उसके अलावा फिर आपकी पोस्ट है वाइस प्रिंसिपल की, यहाँ पे आपका पे लेवल 10 का रहेगा। यहाँ पे भी आपका पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 ईयर्स है। आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी इस टर्म की लिमिट में, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट आती है आपकी पीजीटी की, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कॉमर्स। यहाँ पे लेवल 8 का रहेगा। एज लिमिट 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी आपको ऑब्वियसली। एंड क्वालिफिकेशन में मास्टर्स प्लस बीएड की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अगर आपके पास डिग्री है लाइक बैचलर्स डिग्री इंटीग्रेटेड 4 ईयर्स की है, तो वहाँ पर बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, कुछ आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है सब्जेक्ट्स लाइक कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में, हिंदी एंड इंग्लिश में, तो वो आपको डिटेल दे रखी है, वो आप ध्यान से रीड कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट आपको दे रखी है पीजीटी की इन कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे आपकी एज लिमिट 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पे लेवल 8 का ही रहेगा। नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 740, तो यहाँ पे आपको अब नंबर ऑफ पोस्ट भी मेंशन कर रखी है अपने हर वैकेंसी के साथ कि कितनी नंबर ऑफ आपकी पोस्ट रहेगी इस पर्टिकुलर वैकेंसी, तो आप वो भी देख सकते हो। लाइक पीजीटी में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी 11 थी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर। एज सिमिलरली आपकी जो मैं अभी बता रही थी पीजीटी इन कंप्यूटर साइंस 740 आपकी पोस्ट है। असेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी है कंप्यूटर साइंस में या एमई या एमटेक है आपके पास कंप्यूटर साइंस में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बीएड वगैरह के रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है आपको इस सब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट है आपकी टीजीटी की, टीजीटी में आपको मेंशन कर रखी है टोटल आपकी पोस्ट है 8,880। सब्जेक्ट्स है आपकी हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज या फिर मैथमेटिक्स, साइंस या सोशल साइंस। पे लेवल 7 का रहेगा। यहाँ पे आपके पास 4 ईयर की इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बैचलर्स डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आपको सब्जेक्ट्स मेंशन कर रखे थे जैसे ऊपर ही आपको मेंशन कर रखे थे, और क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, कितना प्रोबेशन पीरियड है डायरेक्ट है, वो भी आपको दे रखा है। नेक्स्ट आती है आर्ट टीचर की, आर्ट टीचर में आपको दे रखी है 740 वैकेंसी, पे लेवल 6 का रहेगा। एज लिमिट इसमें 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास डिग्री है फाइन आर्ट्स या क्राफ्ट में अप्लाई कर सकते हो, या बीएड डिग्री है फाइन आर्ट्स में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूजिक टीचर, 740 वैकेंसी है, लेवल 6 का पे लेवल रहेगा। 35 से ज़्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। बैचलर्स डिग्री विद म्यूजिक दैट्स इट, इतनी रिक्वायरमेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है यहाँ पे आपको दे रखा है। उसके अलावा आती है नेक्स्ट फिजिकल एडुकेशन टीचर की, टोटल पोस्ट है 1,480, पे लेवल 6 का रहेगा। ग्रुप बी की पोस्ट में इंक्लूड होती है। बैचलर्स डिग्री एडुकेशन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर का रहेगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पर मेंशन कर रखी है। नेक्स्ट है लाइब्रेरियन की, 740 वैकेंसी है, पे लेवल 7 का रहेगा। मैक्सिमम एज लिमिट 35 है, रिलैक्सेशन मिलेगी। एंड क्वालिफिकेशन में डिग्री है लाइब्रेरी साइंस में, अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन प्लस आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा है लाइब्रेरी साइंस में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी स्टाफ नर्स की, 740 वैकेंसी है, पे लेवल 5 का रहेगा। असेंशियल क्वालिफिकेशन में बीएससी है ऑनर्स में नर्सिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या रेगुलर कोर्स है आपके पास इन बीएससी नर्सिंग, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी हॉस्टल वार्डन की, टोटल 1,480 वैकेंसी है। उसके अलावा ग्रुप सी की पोस्ट में काउंट होती है ये। यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए ऑफ रीजनल कॉलेज एंड एडुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, या बैचलर्स डिग्री भी आपके पास कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट आती है अकाउंटेंट की पोस्ट, 740 यहाँ पे वैकेंसी है आपकी, एसेंशियल डिग्री क्वालिफिकेशन में आपके पास कॉमर्स के अंदर कोई भी डिग्री है कॉमर्स सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हो, ग्रुप बी की पोस्ट में ही काउंट होती है आपकी। नेक्स्ट है केटरिंग असिस्टेंट की, लेवल 4 की पोस्ट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है, 3 ईयर्स का डिग्री कोर्स है इन केटरिंग के अंदर, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी चौकीदार की, 1480 वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट में आती है, 10th पास हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। कुक की पोस्ट है ग्रुप सी के अंदर आती है, 10th पास हो अप्लाई कर सकते हो, टोटल वैकेंसी है 740। नेक्स्ट है आपकी काउंसलर की, ग्रुप बी की पोस्ट में आती है, लेवल 6 की वैकेंसी है, मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट पोस्ट। ड्राइवर आपकी ग्रुप सी की पोस्ट में आती है, 740 वैकेंसी है एंड 10th पास हो देन यू कैन अप्लाई। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर में 740 वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट है एंड इफ़ यू क्वालिफाइड योर 10th क्लास तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है गार्डनर, टोटल वैकेंसी 740, ग्रुप सी की पोस्ट है, क्वालिफिकेशन 10th पास, दैट्स इट। नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, 1480 वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट है, क्वालिफिकेशन आपके पास +2 है, देन यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट है लैब अटेंडेंट पोस्ट है यहाँ पे ग्रुप सी की, टोटल वैकेंसी आर 740 एंड इफ़ यू आर 10th पास देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट वैकेंसी। नेक्स्ट है आपकी मेस हेल्पर, ग्रुप सी वैकेंसी एंड इफ़ यू क्वालिफाइड योर 10th देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट पोस्ट। नेक्स्ट वन इज सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, 740 वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट है एंड द नेक्स्ट वन इज स्वीपर, ग्रुप सी की पोस्ट है एंड इफ़ यू क्वालिफाइड योर 10th क्लास देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट जॉब एज वेल। सो इतना ही था इसके अंदर, अच्छी इंस्टीट्यूशन से रिलीज़ करी गई है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा थी एक पोस्ट के अंदर, लाइक स्पेशली पीजीटी एंड डीजीटी की हम बात करते हैं तो उसमें वैकेंसीज काफ़ी थी लेकिन बीएड की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन इफ़ यू हैव लाइक फुल ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री देन यू कैन अप्लाई एज वेल। उसके अलावा और डिटेल्स चेकआउट कर लेते हैं, लाइक कहाँ से रिलीज़ करी गई है, दैट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रिलीज़ करी गई है नेशनल एडुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट से, इसकी ऑफिशियल साइट ये है, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करिए, अप्लाई करिए। अभी अप्लाई का लिंक यहाँ पे मेंशन नहीं करा गया है, जैसे अप्लाई का लिंक आएगा तो आप अप्लाई भी कर सकते हो, अभी सिर्फ इनकी रिक्रूटमेंट ही बताई गई थी। ठीक है, बाकी फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ क्वेरीज है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।